हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड जो कि आपको पता है कि भी प्लांट्स के अंदर मिलेगी, ये प्लास्टिड का जो प्रेजेंस है वो किसके अंदर रहने वाला है? प्लास्टिड मिलेगा आपको प्लांट के अंदर, ठीक है। ये भी शेप में, फॉर्म में और नंबर में डिफरेंट होती है और एक यूनिक ऑर्गेनली है जो कि अपने आप को पार्टिसिपेट करवाती है किसके अंदर? स्टोरेज के अंदर और फोटोसिंथेसिस के अंदर, क्योंकि प्लास्टिड का ही एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। और एक्चुअली में क्लोरोप्लास्ट आपका टाइप है क्रोमोप्लास्ट का, ठीक है ना। दो तरह के प्लास्टिड हो जाएंगे, एक क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा जो कि कलर्ड होगा, दूसरा होगा आपका नॉन कलर्ड यानी कि विदाउट एनी कलर, जिसको हम लोग कह देंगे ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम रहेगा स्टोरेज का, और क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही डिफरेंट कलर होता है फ्लावर्स का, और क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही प्लांट्स हमें ग्रीन नज़र आते हैं। क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही टोमेटो का जो कलर है वो भी आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। जितने भी फ्रूट्स हैं उनका कलर आपको डिफरेंट देखने को मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पिगमेंटेड सेल ऑर्गेनली, जिसको हम लोग कह देते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ही होते हैं जो कि पोलिनेशन में अपने आप को पार्टिसिपेट करवाते हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही इंसेक्ट प्लांट्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके बाद फिर वो पोलिनेशंस को डील करने में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका काम किस चीज़ में हो जाएगा? स्टोरेज में। तो दो डिफरेंट टाइप के टाइप्स आप लोग पढ़ोगे प्लास्टिड के अंदर। तो आपको ये पता है कि भाई ये प्रेजेंट मिलेगी आपको किसके अंदर? प्रेजेंट इन प्लांट एंड अब्सेंट इन एनिमल, एनिमल्स के अंदर ये अब्सेंट मिलेगी आपको। इट इज डिफरेंट इन शेप, फॉर्म एंड नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही ये भी शेप, फॉर्म और नंबर में क्या होगी? डिफरेंट होगी। ओके, टू टाइप्स हैं इसके। नंबर वन क्रोमोप्लास्ट, एक तो हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। नंबर टू ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये दो टाइप हो जाएंगे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसा रहेगा? कलर्ड। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा रहेगा? नॉन कलर्ड, ठीक है, हैविंग नो कलर, ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होगा। इसका काम किस चीज़ में होता है? ल्यूकोप्लास्ट हेल्प करता है किसमें? हेल्प इन स्टोरेज, ये स्टोरेज में हेल्प करेगा। क्रोमोप्लास्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। इट हेल्प इन पोलिनेशन एंड इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, बिकॉज क्रोमोप्लास्ट हैविंग ग्रीन कलर पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल, एंड दोज क्रोमोप्लास्ट विच आर विदाउट ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल आर फाउंड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड लीफ एंड इन फ्लावर एंड इन एल्गी, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कलर ऑफ द फ्रूट्स, फ्लावर एंड एल्गी। तो क्रोमोप्लास्ट जिसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा उसको तो हम लोग कह देंगे क्लोरोप्लास्ट, और उसके अलावा यानी कि वो क्रोमोप्लास्ट जिनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं है वो आपको डिफरेंट फ्रूट के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल मिलेंगे, ठीक है।
और फ्लावर के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, और कुछ एक एल्गी होते हैं उनके पर्टिकुलर कलर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट का दूसरा रोल किस में आप लिख सकते हो, परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ये किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन पोलिनेशन, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेगा टुवर्ड फ्लावर, एंड इट हेल्प इन फोटो सिंथेसिस, ठीक है, डिटरमाइन पर्टिकुलर कलर ऑफ फ्रूट के पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ओके, अगला पॉइंट आप करोगे यहां पर, क्रोमोप्लास्ट विद ग्रीन कलर पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट रहने वाला है वो क्या होगा, क्लोरोफिल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इसके फंक्शन को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी आसान है और बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लेकिन कुछ यूनिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी एक बाहर की मेम्ब्रेन ड्रॉ कर लेते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस था उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट भी आपको कैसा मिलेगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि प्लास्टिड भी आपको कैसा मिलेगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा इनर मेम्ब्रेन, और इसके बीच की जगह हो जाएगी इंटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ये हो जाएगा जी, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया। देन अंदर कुछ यूनिक स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाने हैं ऐसे, ये जो आप लोगों को सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, पाइल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्टैक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसमें मैंने चार तीन तीन रखे, लेकिन ये कंपोजिशन वेरी करता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन 20 भी हो सकते हैं, तो ये नंबर वेरिएबल है। ओके जी, ये हो गया, इसके पास इसका खुद का क्या मिलेगा, डीएनए, ठीक है, खुद का डीएनए होगा, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगी, सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनली। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने ध्यान में रखने, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ही सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनली हैं, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया और प्री एग्जिस्टिंग प्लास्टिड से नया प्लास्टिड आपका बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इनके पास इनका खुद का डीएनए, डेट्स वाई दीज आर सेल्फ ऑटोनोमस ऑर्गेनली। एट द सेम टाइम इसके पास इसका खुद का राइबोसोम होगा, ब्यूटीफुल राइबोसोम इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और क्रिस्टलस ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये आरएनए हो जाएंगे, हाँ जी आरएनए, तीनों तरह के आरएनए देखने को मिलेंगे यहाँ पर, एमआरएनए,
मैसेंजर आरएनए होता है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर आरएनए। अभी आपको केवल यही याद रखना है, ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे लेकिन पता ज़रूर होना चाहिए कि किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए तीन आरएनए इन्वॉल्व होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज होता है किसी प्रोटीन को बनाने के लिए, और प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड, तो उस अमाइनो एसिड को लाने का काम करता है ट्रांसफर आरएनए। लाने के बाद जगह प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? राइबोसोमल आरएनए। तो तीनों मिल करके प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते। बाकी ये रीजन जो है, इस रीजन में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, लिपिड भी मिलेगा, ठीक है, सारी चीज़ें मिलेंगी, और एंजाइम्स भी मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी मिलेंगे, आयंस भी मिलेंगे, मैग्नीशियम मिल जाएगा इधर, तो सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी, ठीक है। ये जो रीजन होगा इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। ये वाला रीजन क्या होगा? स्ट्रोमा। और ये जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, पूरा ग्रुप, इसको मैं नाम दे देता हूं ग्रेनम। ये हो गया ग्रेनम। अब इस ग्रुप के अंदर आप देख रहे हो कि ग्रुप है किसका, ये किसी ना किसी का तो ग्रुप होगा। ये इस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे थाइलेकोइड। इस इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को नाम दिया है मैंने थाइलेकोइड, और ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड क्या बन जाएगा आपका? ग्रेनम। ये देखिए, ये भी थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। तो ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड को हम लोग क्या कह देंगे? ग्रेनम। इंडिविजुअल जो स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका? थाइलेकोइड। ओके, ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड इज नोन एज ग्रेनम, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर इज थाइलेकोइड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम प्रेजेंट थे, उसी तरीके से यहाँ भी कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो एटीपी बनाने में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थाइलेकोइड के पास मिलेगा क्वांटोसोम, क्या मिलेगा? क्वांटोसोम। और क्वांटोसोम के पास क्या होता है? क्लोरोफिल। और फिर ये क्लोरोफिल आपको पता है किस में हेल्प करेगा? एटीपी फॉर्मेशन में। किस में हेल्प करता है ये क्लोरोफिल? हेल्प इन एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। एटीपी की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद फिर प्लांट उस एटीपी को यूज़ करता है क्या बनाने के, किस प्रोसीजर में? फोटोसिंथेसिस में। देखो, क्लोरोफिल से एटीपी बनना ये भी फोटोसिंथेसिस का ही एक पार्ट है, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है बच्चों, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है। क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज। और प्लस में क्या होगा? ऑक्सीजन निकल जाती है, वाटर भी बनता है, वो यूटिलाइज हो जाएगा। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। तो क्लोरोफिल का काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होगी ग्लूकोज के प्रोडक्शन में। तो ये छोटा सा प्रोसीजर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोगों को करने हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कनेक्शन, ठीक है ना, जो दो ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रहा है, इसको हम लोग लैमिला कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लैमिला। या फिर इसको आप क्या कह सकते हो? स्ट्रोमल थाइलेकोइड। इसको आप क्या कह सकते हो? स्ट्रोमल थाइलेकोइड भी कह सकते हो, या फिर लैमिला भी कह सकते हो। ओके, दोबारा से इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये आप लोगों को स्ट्रोमा, ये जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। राइबोसोम कितने का रहने वाला है? 70S का। ग्रेनम हो जाएगा ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड के ग्रुप को ग्रेनम बोला, इंडिविजुअल को थाइलेकोइड, थाइलेकोइड में क्वांटोसोम नजर आएंगे, क्वांटोसोम में क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये था आपका एक यूनिक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या होंगे? इम्पोर्टेंस में आप लिख सकते हो इट हेल्प इन
फोटोसिंथेसिस नंबर वन। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? यूटिलाइज CO2। किसको यूटिलाइज करेगा? यूटिलाइज CO2, CO2 को इस्तेमाल करेगा। रिलीज, रिलीज O2, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। और इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीनरी, ग्रीनरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। प्रोडक्शन करेगा किसका? प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन करता है, ठीक। तो ये आप कर लोगे फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब हमारे पास है एक स्टोरेज वाली प्लास्टिड की टाइप, डेट इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। कलरलेस होगा ये, कलरलेस होगा, कलर्ड नहीं होगा। इसके तीन टाइप हैं। पहला होगा अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टोर करेगा ये, किसको? स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करेगा। दूसरा हो जाएगा आपके पास प्रोटीनोप्लास्ट, ये स्टोर करने का काम करता है, किसको? प्रोटीन को, स्टोर प्रोटीन। यहाँ पर थर्ड वन है जिसको हम लोग कहते हैं इलियोप्लास्ट, और ये काम क्या करता है? स्टोरेज ऑफ ऑयल, यानी कि फैट, उनको स्टोर करने का काम करता है। तो ये था हमारा प्लास्टिड के बारे में, जहाँ पर हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ा है, और जो कि क्रोमोप्लास्ट का एक टाइप था, और ये ल्यूकोप्लास्ट है जिसका काम स्टोरेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन। अभी के लिए आपको यही करना है। थैंक यू।